जय श्री कृष्ण दोस्तों, लाइफ स्टाइल विद गॉड में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम कर्मयोग है। आज हम 21वें और 22वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। भगवान ने अर्जुन को लोक संग्रह की ओर देखते हुए कर्मों का करना उचित बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि कर्म करने से किस प्रकार लोक संग्रह होता है। अतः यही बात समझाने के लिए भगवान कहते हैं कि यद्यदा चरति शेष्टस तत्देवे तरोजनः सायत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। जो संसार में अच्छे गुण और आचरणों के कारण धर्मात्मा विख्यात हो गया है, जगत के अधिकांश लोग जिस पर श्रद्धा और विश्वास करते हैं, ऐसे प्रसिद्ध माननीय महात्मा ज्ञानी को यहाँ श्रेष्ठ कहा गया है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो कर्म करता है, दूसरे मनुष्य भी उन उन कर्मों को ही किया करते हैं। इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त महात्मा यदि अपने वर्ण आश्रम के धर्मों को भली भांति अनुष्ठान करता है, तो दूसरे लोग भी उसकी देखा देखी अपने अपने वर्ण आश्रम के धर्म का पालन करने में श्रद्धा पूर्वक लगे रहते हैं। इससे सृष्टि की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है, किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। किंतु यदि कोई धर्मात्मा ज्ञानी महात्मा पुरुष अपने वर्ण आश्रम के धर्मों का त्याग कर देता है, तो लोगों पर भी यही प्रभाव पड़ता है कि वास्तव में कर्मों में कुछ नहीं रखा है। यदि कर्मों में ही कुछ सार होता, तो अमुक महापुरुष उन सब को क्यों छोड़ते? ऐसा समझकर वे उस श्रेष्ठ पुरुष की देखा देखी अपने वर्ण आश्रम के लिए विहित नियम और धर्मों का त्याग कर बैठते हैं। ऐसा होने से संसार में बड़ी गड़बड़ मच जाती है और सारी व्यवस्था टूट जाती है। अतः महात्मा पुरुष को लोक संग्रह की ओर ध्यान रखते हुए अपने वर्णाश्रम के अनुसार सावधानी के साथ यथा योग्य समस्त कर्मों का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। कर्मों की अवहेलना या त्याग नहीं करना चाहिए। वह जो कुछ भी प्रमाण कर देता है, मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि श्रेष्ठ पुरुष स्वयं आचरण करके और लोगों को शिक्षा देकर जिस बात को प्रमाणिक कर देता है, अर्थात लोगों के अंतःकरण में विश्वास करा देता है कि अमुक कर्म अमुक मनुष्य को इस प्रकार करने चाहिए और अमुक कर्म इस प्रकार नहीं करने चाहिए, उसी के अनुसार साधारण मनुष्य चेष्टा करने लग जाते हैं। इसलिए माननीय श्रेष्ठ ज्ञानी महापुरुष को सृष्टि की व्यवस्था ठीक रखने के उद्देश्य से बड़ी सावधानी के साथ स्वयं कर्म करते हुए लोगों को शिक्षा देकर उनको अपने अपने कर्तव्य में नियुक्त करना चाहिए और इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसके उपदेश या आचरणों से संसार की व्यवस्था सुरक्षित रखने वाले किसी भी वर्ण आश्रम के धर्म की या मानव धर्म की परंपरा को किंचन मात्र भी धक्का न पहुंचे, अर्थात उन कर्मों में लोगों की श्रद्धा और रुचि कम न हो जाए। अब मन में यह प्रश्न आता है कि जब श्रेष्ठ महापुरुष के आचरणों का सब लोग अनुकरण करते हैं, तब यह कहने की आवश्यकता क्यों हुई कि वह जो कुछ भी प्रमाण कर देता है, उसी के अनुसार लोग बरतने लग जाते हैं। संसार में सब लोगों के कर्तव्य एक से नहीं होते। देश, समाज और अपने अपने वर्ण आश्रम, समय एवं स्थिति के अनुसार सबके विभिन्न कर्तव्य होते हैं। श्रेष्ठ महापुरुष के लिए भी यह संभव नहीं है कि सबके योग्य कर्मों को अलग अलग स्वयं आचरण करके बतलावे।
इसलिए श्रेष्ठ महापुरुष जिन जिन वैदिक और लौकिक क्रियाओं को वचनों से भी प्रमाणित कर देता है उसी के अनुसार लोग बरतने लगते हैं, इसी से ऐसा कहा गया है। इस प्रकार श्रेष्ठ महापुरुष के आचरणों को लोक संग्रह में हेतु बतलाकर अब भगवान अपना उदाहरण देकर वर्णाश्रम के अनुसार भेद कर्मों के करने की अवश्य कर्तव्यता का प्रतिपादन करते हैं। नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचिन नान बाप्तम बाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। तीसरे अध्याय के बाद में श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यहाँ पर अर्जुन को पार्थ शब्द से संबोधित करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कुंती के दो नाम थे, प्रथा और कुंती। बाल्यावस्था में जब तक भी अपने पिता शूरसेन के यहाँ रहें तब तक उनका नाम प्रथा था, और जब वे राजा कुंती भोज के यहाँ गोद चली गईं तब से उनका नाम कुंती पड़ा। माता के इन नामों के संबंध से ही अर्जुन को पार्थ और कौंते कहा जाता है। यहाँ भगवान अर्जुन को कर्म में प्रवृत्त करते हुए परम स्नेह और आत्मीयता के सूचक पार्थ नाम से संबोधित करके मानो यह कह रहे हैं कि मेरे प्यारे भैया, मैं तुम्हें कोई ऐसी बात नहीं बतला रहा हूँ जो किसी अंश में भी निम्न श्रेणी की हो। तुम मेरे अपने भाई हो, मैं तुमसे वही कहता हूँ जो मैं स्वयं करता हूँ और जो तुम्हारे लिए परम श्रेयकर है। तीनों लोकों में मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मनुष्य का संबंध तो केवल इसी लोक से है, अतः धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए उसके कर्तव्य का विधान है, इस लोक में होता है। किंतु मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ, स्वयं ही सबके कर्तव्य का विधान करने वाला साक्षात परमेश्वर हूँ, अतः स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल इन तीनों ही लोकों में सदा स्थित रहता हूँ। मेरे लिए किसी लोक में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। मुझे इन तीनों लोकों में कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस लोक की तो बात ही क्या है, तीनों लोकों में कहीं भी ऐसी कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो, क्योंकि मैं सर्वेश्वर, पूर्ण काम और सबकी रचना करने वाला हूँ, तो भी मैं कर्मों में ही बरतता हूँ। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है और मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, तो भी लोक संग्रह की ओर देखकर मैं सब लोगों पर दया करके कर्मों में ही लगा हुआ हूँ, कर्मों का त्याग नहीं करता। इसलिए किसी मनुष्य को ऐसा समझकर कर्मों का त्याग नहीं कर देना चाहिए कि यदि मेरी भोगों में आसक्ति नहीं है और मुझे कर्मों के फल रूप में किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है तो मैं कर्म किस लिए करूँ, या मुझे परम पद की प्राप्ति हो चुकी है तब फिर कर्म करने की क्या जरूरत है, क्योंकि अन्य किसी कारण से कर्म करने की आवश्यकता ना रहने पर भी मनुष्य को लोक संग्रह की दृष्टि से कर्म अवश्य करने चाहिए। राधे राधे।